हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन वाले रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। नीचे जो डायग्राम दी गई है उसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है वो हमने ढूंढना है, भी उसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए, फर्स्ट डायग्राम में जहाँ कुछ नंबर दिया गया, सेकंड में जहाँ पर कुछ नंबर दिया गया, थर्ड वाली जो डायग्राम है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने देखना है कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो ये वाले जो ऊपर नंबर दिए गए हैं, ये एक नंबर होगा 8, 4, 6, इसको एक नंबर कंसिडर कर लेना है, और जहाँ जो नीचे नंबर दिए गए 5, 2, 1, इसको सेकंड नंबर कंसिडर कर लेना है। और अगर आप दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे 8, 4, 6 में से 5, 2, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास सेंटर वाला नंबर आ रहा है। ये देखिए, तो हमारे पास सेंटर वाला नंबर आ रहा है। अगर 8, 4, 6 में से 5, 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो सेंटर वाला नंबर आ रहा है। सिमिलरली जो सेकंड डायग्राम है उसमें अगर 7, 1, 9 में से 4, 6, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। 719 में से 461 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, 258, मतलब सेकंड वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड डायग्राम है जो, उसमें क्या होगा, उसमें से 525 दिया गया है, 525 में से अगर 331 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। 525 में से अगर 331 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 194। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमारे पास कौन सा आएगा, 194, मतलब क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली जहाँ पर फिर तीन डायग्राम दी गई है, वो तीन डायग्राम में जहाँ पर सेंटर में एक नंबर दिया गया है, फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड वाले में भी कोई ना कोई नंबर दिया गया, और थर्ड वाले में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमने जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो इसका सोल्यूशन भी सिमिलर लास्ट क्वेश्चन जैसा है, जैसे 231 को एक नंबर कंसिडर कर लिया और 389 को सेकेंड नंबर कंसिडर कर लिया। अब आपने ये देखना है इन दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या क्या किया जाए, भी सेंटर वाला नंबर हमारे पास आ जाए। तो जहाँ पर देखो, इसमें अगर हम 238 को 389 के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आती है आउटपुट, 629। ये देखिए, अगर 238 को 389 को प्लस कर दिया जाए तो कितना आता है, 627। सिमिलरली जो सेकंड डायग्राम है, अगर उसमें से जे वाले नंबर को 321 और 258 इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया जाए तो सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारी थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में क्या होगा, 402 है और जहाँ पर 298 है, अगर ये दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना आंसर आता है। ये देखिए, 402 प्लस 298 तो कितना आंसर आता है, 700। इसका मतलब जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आंसर आएगा, 700।